सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम हर पंचायत चोचमुख विकासखंड भोरंज के बोटी गांव में सरेआम फेल साबित हो रही है। भोरंज के गांव बोटी में अमरचंद का घर है, जिसमें अभी तक पंचायत द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है। अमरचंद के घर में पत्नी व दो बेटियां हैं। घर में शौचालय न होने के कारण घर के सभी सदस्य खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। घर में शौचालय न होने के कारण घर की महिलाओं को शौच जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत भोरंज के प्रधान का कहना है कि अमरचंद की जमीन का कोर्ट में स्टे चला है, जिसके चलते पंचायत कुछ भी नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट से अमरचंद के घर पर शौचालय बनाने के आदेश मिल जाएं तो पंचायत शौचालय का निर्माण करवा सकती है। के बारे में इन्होंने चली है, हमें चाहते हैं कि इनके पास जो है शौचालय की नहीं है और बाजार की बात है। ये लड़की जवान है और खुद भी आज शौचालय तो पंचायत शौचालय मुक्त है, मगर इनकी मजबूरी है कि इनकी जगह में स्टे चला है कोर्ट में। कोर्ट में पंचायत इंटरफेयर नहीं कर सकती है, और जहाँ जिस भी भूमि का कोर्ट में कोई मैटर चला है पंचायत उसमें कुछ भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती जब तक कोर्ट का फैसला ना हो। अगर कोर्ट हमें लिख कर दे दे कि इनको शौचालय की जरूरत है, पंचायत को आदेश दे दें कोर्ट की पंचायत यहाँ पर शौचालय बना दे, तो बना देंगे। इसका सेल्फ में डाल देंगे नाम डाल के, जैसे ही सेल्फ आएगा तो हम इनको शौचालय बना के दे देंगे। और जब तक कोर्ट में इनका स्टे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। कोर्ट में जो चाहे 20 साल चले 30 साल चले, जब तक कोर्ट में मैटर चला है तो पंचायत इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। अमरचंद ने बताया कि घर में शौचालय न होने के कारण घर के सदस्यों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उनके घर में 5 सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि जमीन का कोर्ट में स्टे चला है, जिसकी वजह से कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। मेरी दो बेटियां और एक बेटा है, और दो हम पति पत्नी हैं। ना हमारे पास शौचालय है, और 10 साल से हमारा कोर्ट में केस हमीरपुर में चला हुआ है, तो इसकी वजह से हमें बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। खुले में जाना पड़ रहा है शौचालय के लिए। एमएलए के पास गए हम, तो उन्होंने भी हमें बुला कि हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। और पंचायत में भी के पास भी गए, उन्होंने भी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अमरचंद की पत्नी बीना देवी ने बताया कि घर में जवान बेटा और बेटियां हैं, जिन्हें घर में शौचालय न होने के कारण शौच के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर एसडीएम व उपायुक्त से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से जमीन का कोर्ट में स्टे होने के कारण कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली है। और मेरे पास शौचालय भी है, 10-11 साल हमारा केस चला हुआ है, और शौचालय के लिए बोलते हैं आपका केस चला हुआ। प्रधान के पास मैं गई, एसडीएम के पास मैं गई, डीसी के पास मैं गई, और जो जनमन जो होता है वहाँ भी मैं गई। फिर एमएलए के पास मैं गई, बोले हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा तो आपका केस चला हुआ है, तो आप ऐसे बताओ हम शौचालय के लिए। दो लड़कियां हैं मेरे, एक लड़का है, मैं कहाँ जाऊँगी। सब पांच बंदे हैं घर में, हम दूर जाना पड़ता है हमें, और मकान गिर जाए तो हमें तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। एक बार तो हमारा पूरा लाशा यहाँ पे गिरा, फिर तभी भी उसी टाइम ये लड़ने हमारे घर आ जाते हैं, सभी पूरे परिवार लेके आते हैं। हम तो ऐसी दिक्कत में भी हम तो कहीं भी नहीं जा सकते। लड़कियों की शादी करनी है, कहाँ से करनी है। मकान की तो हमें बहुत ही दिक्कत है, बस यही हमारी परेशानी है। हमें शौचालय चाहिए। अमरचंद की बेटी काजल ने बताया कि उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की है। उन्होंने कहा कि घर में शौचालय ना होने के कारण शौच जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाम काजल है, गांव भोरंज, ग्राम पंचायत भोरंज, और मैंने बीएससी की हुई है। हमारे घर में शौचालय नहीं है, तो हमें बहुत दूर शौचालय के लिए जाना पड़ता है, और हमारा घर भी गिरने की कगार पे आ गया। हमने सभी से बात की, एसडीएम, डीसी, एमएलए, किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की आज तक। जो आपको एमएलए हमें कुछ भी जवाब नहीं देते। बोला क्या उसने आपको? उन्होंने बोला देखेंगे, और आज तक कुछ नहीं देखा। फिर भी